बधाई और सम्मान के काम, हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे अनुप्रयोग करने होंगे जिससे युवा पीढ़ी साक्षात में उसको अपनाए। हम सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे इस पर्यावरण को नहीं बचा सकते। बीएन विश्वविद्यालय लंबे समय से शिक्षा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। यहां शायद वो विभूतियां आई हुई हैं जिन्होंने भारत को चलाया है, समाज को दिशा और दिशा दी है। मैं विशेष तरह से कहना चाहूंगा कि हमें प्रयोगात्मक तौर पर ऐसा कोई कार्य शुरू करना चाहिए कि जहां पर 10,000 15,000 बच्चे पढ़ते हों और उसमें से अगर 2,000 बच्चे किसी एक पहाड़ी को गोद दें, उस एक पहाड़ी पर अपने पितरों के नाम पर अगर कोई एक पौधा लगा दे और उसका पंजीकरण अगर बीए विश्वविद्यालय में किया जाए तो शायद वो आने वाली पीढ़ियों को बता पाएगा कि मैंने मेरे पिता के, मेरे माता के, मेरे दादा दादी के स्मृति में मैंने ये पेड़ इस बीएन विश्वविद्यालय के द्वारा ये गए गोद लिए गए इस पहाड़ी को मैंने रोपण किया। हमें वो संस्कृति अपनानी पड़ेगी जो हमें कार्य करने पर मजबूर कर दे। और ये चीज तभी हो पाएगी जब हम उसको वास्तविकता पर धारातलता पर लेकर आए। हम सेमिनार और हम जितने भी मीटिंग्स करते हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं करते हैं, उनका अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन हम अगर हमें स्थायी प्रभाव चाहिए तो उस स्थायी प्रभाव के लिए हम उन सारे कार्यों को करें जिससे हमारी युवा पीढ़ी जुड़े। एक क्वालिटी कंटेंट की बात मेरे जहन में जब मैं वक्ताओं को सुन रहा था तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जिस तरीके से जैन साहब ने अपनी बात रखी और किसी साहब ने अपनी बात रखी, ये क्वालिटी कंटेंट आपको जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें सर प्रेजेंट करना चाहिए। हमारी जो सेल एनवायरमेंट लिटरेसी है वो सब नीचे नहीं है, और जब इस बच्चे को आप ये माहौल देते हैं तो वह अपने माता पिता और अपने साथियों के साथ निसंदेह उस मूल्य का रोपण प्राप्त करके और उसका सृजन करें। लेकिन हम सिर्फ उपयोगी तौर पर बात करते हैं, यहाँ जितने विराजमान है मैं व्यक्तिगत तौर पर ये माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि शायद इस परिचर्चा के बाद शायद एक पेड़ के हमारे खुद से कहीं करने वाला नहीं। ये जीवन का मेरे को सत्य है, हमें उस स्तर पर आना पड़ेगा जिस स्तर पर, क्योंकि मैं शांति पीठ का सदस्य हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, शांति पीठ ने जिस तरीके से इतने सारे पेड़ रेलवे टाइम स्कूल में लगाए हैं अमृत जी को बचाने के लिए, हमारे पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, हम हाई कोर्सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी उद्योगपति या उदयपुर का एक भी व्यक्ति उठ करके आकर के बात नहीं करी अमृत देव जी महादेव के उस पूरे पर्यावरण को 400 बीघा जमीन को बचाने के लिए हमें आपके साथ खड़े होकर के ये काम। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि प्रक्रियाओं को सिर्फ कार्यों तक न रखा जाए, माणा प्रताप की तरह उसको प्रयोगात्मक लाया जाए। राष्ट्रपति शब्दों में नहीं हो, समाज वेदना शब्दों में नहीं हो, पर्यावरण वेदना शब्दों में नहीं हो। आप सभी ने समय दिया, मुझे बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।